वेलकम बैक फ्रेंड और माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनिश कुमार आजाद। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन हो जिसमें केमिस्ट्री का सवाल पूछता है उसके लिए मैंने खास ये वीडियो तैयार किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो होगा वो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर होगा, मतलब कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका एक लाइन में आंसर। साथ ही इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनरेशन व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये एक तरह से कहिए तो कलेक्शन है, इसका मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस एग्जामिनेशन हमें क्रैक करना है, उसके व्यू से हम लोग ने इस वीडियो को तैयार किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का कि द्रविड ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, मतलब कि द्रविड ब्यूटेन और आइसो मतलब लिक्विफाइड जो है ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, वो होता है एलपीजी मीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर में यूज किया जाता है, रसोई में यूज किया जाता है भोजन बनाने के लिए। इसी प्रकार आगे है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। इस तरह से रेलवे में एसएससी में चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें इस टाइप का प्रश्न पूछता है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है C3H8। इस तरह आगे है कि मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 के जलने पर क्या होता है, तो मीथेन के जलने पर क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप कमेंट्स में बताइएगा किसका इसके मीथेन के जलने पर क्या होता है। इस तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, मतलब बहुत ही अच्छा सोर्सेस में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस कौन सी है, तो वह है मीथेन CH4। इस तरह आगे है कि चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, चश्मा जो बनता है उसमें किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। इस टाइप का आप अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ CMA जो केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट उसमें इस टाइप का वन लाइनर क्वेश्चन दिया था, तो मैंने इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में रखा हुआ है इसको। इस तरह आगे है कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कोई गर्म शीशा है उसको अगर धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे एनीलिंग। इस तरह आगे है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, मतलब कांच का जो है कांच बोले या शीशा बोले उसका महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट्स कौन है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन है, तो है सिलिका। इस तरह आगे है कि शीशा जिसे कांच भी बोलते हैं ये है एक मतलब क्या है, तो ये अतिशीतित द्रव है, ठीक है, ये अतिशीतित द्रव है। इस तरह आगे है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, मतलब सीमेंट को बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त मतलब यहाँ पर हुआ गर्म, खूब गर्म किया जाता है, तो वह है चूना पत्थर और मृतिका, चूना पत्थर और मृतिका का उपयोग किया जाता है। इस तरह 10वां नंबर प्रश्न है कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है, मतलब कि सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत होता है, रासायनिक केमिकल्स कंपोजिशन क्या क्या है, तो वो है चूना पत्थर है, मिट्टी है और जिप्सम है, इस तरह से सीमेंट का रासायनिक संयोजन होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जो मैंने आपको शेयर किया, अगर ये वीडियो मुझे अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, थैंक यू वेरी मच।